गाइस, तो कैसे हो? अच्छा एक मिनट, किसी का मैसेज आया है एंड मैसेज ये आया है कि रितेश भाई वापस से गिव वे करो ना, जैसे कि आप पहले क्या करते थे डायमंड्स का गिव वे। तो गाइस आप लोग ही मुझे बताओ कि क्या मुझे जैसे मैं पहले गिव वे किया करता था डायमंड का डेली गिव वे किया करता था, तो क्या वापस से मुझे गिव वे करना चाहिए? एंड चलो 5K लाइक का टारगेट है इस वीडियो पे, अगर आप लोगों 5K लाइक कंप्लीट करवा देते हो ना तो नेक्स्ट डे से गिव वे वापस से शुरू कर देंगे हम लोग डायमंड्स का। एंड लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। एंड गाइस आप लोगों को पता है हमारे गेम में आप लोगों को बहुत ही जल्दी एक ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा ना, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसा टोकन इकट्ठा करना है एंड टोकन के एक्सचेंज में आप लोगों को देख सकते हो क्या ही ओपी रिवॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, मतलब इमोट्स से लेकर बंडल एंड बैकपैक की स्किन, कस्टम कार्ड, मतलब एवरी रिवॉर्ड देखने को आप लोगों को यहां पे मिलेंगे। एंड उसी के साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ये इवेंट हमारे इंडियन सर्वर में कब से शुरू होने वाला है एंड हमारे इंडियन सर्वर को एक्सचेंज पे कौन कौन से रिवॉर्ड बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे। एंड हां गाइस आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं कि अभी हम लोग को 2 ग्लोबल की स्किन, 1 इमोट, 2 गन की स्किन और भी बहुत सारे रिवॉर्ड बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे, तो सारी चीज के बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई। तो गाइस आप लोग को पता है इस टाइम क्या हुआ ना कि अभी मैंने गेम को ओपन किया एंड गोल्ड रॉयल के सेक्शन में गया था एंड अभी तक मैंने गोल्ड रॉयल के अंदर रिवॉर्ड नहीं देखे थे कि फ्री फायर वाले ने क्या क्या ऐड किए हैं, ठीक है। अभी मैंने जैसे इसको ओपन किया एंड जब ओपन किया ना तो यहाँ पर बहुत सारे रिवॉर्ड देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इमोट्स भी देखने को मिल रहे हैं एंड सच यार मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग को गोल्ड रॉयल के अंदर इमोट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर गोल्ड रॉयल का ओल्ड वाला बंडल भी देखने को मिल रहा है, मतलब यार इस बार फ्री फायर वालों ने गोल्ड रॉयल के अंदर काफी अच्छे रिवॉर्ड ऐड किए हैं, ये तो हमें मानना चाहिए। एंड सच में ओबी अपडेट की बात से अभी तक मैंने गोल्ड रॉयल के रिवॉर्ड को देखा भी नहीं था कि क्या क्या कौन कौन से रिवॉर्ड फ्री फायर वालों ने ऐड किया है, बिकॉज यार अपडेट के बाद से गेम खेलने में बहुत ही मजा आ रहा था इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया था। बाकी आप लोग ने देख लिया था क्या पहले, कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड हाँ गाइस आप लोगों ने एक चीज नोटिस की जो कि आपने शायद से नोटिस नहीं की होगी, अभी हमारे गेम में जो गोल्ड के इवेंट्स थे ना वो थोड़े कम आ रहे हैं, बिकॉज यार जहाँ तक मुझे याद है ना कि अभी जो लास्ट गोल्ड का इवेंट था जो कि हमारे इंडियन सर्वर में आया था वो शायद से गोल्ड रश इवेंट था, उसके बाद से अभी तक हमारे गेम में कोई गोल्ड का मतलब बड़ा इवेंट तो नहीं देखने को मिला है। एंड वही आप लोग देख सकते हैं कि फ्री फायर के जो दूसरे सर्वर है ना वहाँ पर गोल्ड के क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, मतलब यार जो लो लिमिट हम लोग को स्टोर में देखने को नहीं मिल रहा है ना वहाँ पर गोल्ड के एक्सचेंज में बिल्कुल ही फ्री में दिए जा रहे हैं। एंड वैसे भी हम लोगों ने गोल्ड के इवेंट के लिए बहुत सारे गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू भी कर दिया है एंड जहाँ तक मेरे पास तो शायद 1,00,000 गोल्ड हो चुके हैं एंड आप लोग के पास कितने गोल्ड है कॉमेंट्स में बताना। और गाइस आप लोग भी जानना चाहते हो ना कि हम लोग गोल्ड तो बहुत ज्यादा इकट्ठा तो कर रहे हैं बट हमारे गेम में अब जो नेक्स्ट गोल्ड के इवेंट्स आने वाले हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं एंड कौन कौन से रिवॉर्ड हम लोग को अपकमिंग गोल्ड के इवेंट्स में मिलने वाले हैं। एक्चुअली गाइस देखो आप लोग को पता है ना कि इस टाइम हमारे गेम में स्पाइडरमैन का इवेंट चल रहा है जो कि छोटा मोटा इवेंट है एंड वो चलने वाला है 21 जून तक। एंड जैसे ही 21 जून के दिन हमारे गेम में स्पाइडरमैन का इवेंट खत्म हो जाएगा ना उसके बाद से हमारे गेम में इलाइट आलोक का इवेंट आने वाला है जिसके अंदर हम लोग को ये इलाइट आलोक देखने को मिलेगा एंड उसी टाइम हम लोग को हमारे गेम के अंदर पिंक डायमंड स्टोर देखने को मिलेगा जो कि 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है एंड हम लोग को हमारे गेम में देखने को नहीं मिला है। एंड आप लोग इस वाले पोस्ट को देख भी सकते हो कि जो पिंक डायमंड स्टोर है ना वो हमारे इंडियन सर्वर में वापस से रिटर्न करने वाला है 6th एनिवर्सरी के टाइम पे। एंड बताया ये भी जा रहा है ना कि इस बार जो पिंक डायमंड स्टोर के रिवॉर्ड होने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं एंड उसी टाइम आप लोग को हमारे गेम में एक इवेंट और देखने को मिलेगा जो कि गोल्ड का इवेंट होगा जिसमें आप लोग को एक्सचेंज पे मतलब जो गोल्ड होंगे ना उनके एक्सचेंज पे आप लोग को न्यू वाले इमोट्स भी मिलने वाले हैं। मतलब देखो अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आप लोग को क्लियर नहीं बताया है लेकिन मैं आप लोग को क्लियर बता देता हूँ। गाइस देखो यार जो इस बार 6th एनिवर्सरी हमारे गेम में स्टार्ट हो रहे हैं ना वो आप लोग को देखने को मिलेगा अगस्त के महीने में एंड इस बार बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिवॉर्ड्स मिलेंगे एंड बहुत ही मेगा इवेंट यानी कि मेगा इवेंट से भी बड़ा इवेंट होने वाला है 6th एनिवर्सरी। क्योंकि गाइस इस टाइम फ्री फायर वाले क्या कर रहे हैं ना 6th एनिवर्सरी के टाइम पे हमारे गेम को रिटर्न लाने के रिलेटेड वर्क कर रहे हैं एंड जहां तक मुझे पता चला है ना कि इस टाइम फ्री फायर वाले कुछ स्पेशल करने वाले हैं इंडियन सर्वर में ओनली। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसके अंदर मैं आप लोगों को 6th एनिवर्सरी के बारे में एक बहुत ही बड़ी चीज बताने वाला हूं, तो यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना बिकॉज़ नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी ना 6th एनिवर्सरी पे वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। चलो गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे अचीवमेंट सिस्टम के बारे में, बिकॉज गाइस फ्री फायर के स्टार ऑडियंस ये जानना चाहती है कि हमारे गेम में जो अचीवमेंट सिस्टम स्टार्ट हो रहा है वो कब तक चलने वाला है एंड क्या जो अचीवमेंट सिस्टम है वो हमारे फ्री फायर गेम में परमानेंट रहने वाला है या फिर कुछ दिन बाद ये इवेंट हटा दिया जाएगा। गाइस मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जो ये अचीवमेंट सिस्टम का इवेंट हमारे गेम में आ रहा है ना वो कब तक चलने वाला है एंड ये क्या परमानेंट रहेगा या फिर नहीं एंड जो रिवॉर्ड्स वो फ्री में कैसे मिलेंगे एंड ज्यादा से ज्यादा हम पॉइंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को
बता दूं, फ्री फायर वाले अचीवमेंट सिस्टम को इसीलिए लेके आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्लेयर अच्छे से गेम खेलें। एंड कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल खेलते हैं, जैसे कि मान लो आप लोग भी नेक्स्ट लेवल खेलते हैं। एंड जो प्लेयर बहुत ही ज्यादा ऑसम खेलते हैं तो वो ये सोचते हैं ना कि बहुत अच्छा अगर हम लोगों ने खेला है तो हमारे गेम को लोगों को पता चलना चाहिए एंड हमें कई रिवॉर्ड फ्री में भी मिलना चाहिए। एंड ये सारी चीज आप लोग को अचीवमेंट सिस्टम में देखने को मिलेगा, मतलब आप लोग को खेलने की वजह से आप लोग को पॉइंट्स मिलेंगे। एंड जितना ज्यादा आप लोग गेम प्ले करोगे एंड खेलोगे तो यही इसका एक सिंपल सा ट्रिक है कि जितना आप लोग खेलोगे उतना आप लोग को पॉइंट्स मिलेंगे एंड रिवॉर्ड भी आप लोग क्लेम कर सकते हो। एंड जैसे कि गाइस आप लोग को देख सकते हो कि अचीवमेंट सिस्टम पे हम लोग को इतने पॉइंट क्लियर करने पे ये वाला इमोट बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेगा, जो कि अभी वर्क करते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, बिकॉज यार ये वाला इमोट हमें फ्री में मिलने वाला है। एंड जो अचीवमेंट सिस्टम होगा गाइस, इसके जो रिवॉर्ड्स होंगे ना वो भी चेंज किए जाएंगे, मतलब फ्री फायर वाले इसके रिवॉर्ड को भी अपडेट करेंगे। एंड रही बात कि क्या ये अचीवमेंट सिस्टम हमारे गेम में परमानेंट रहने वाला है या फिर ये कुछ दिनों के लिए है, गाइस बताया तो ये जा रहा है ना कि जो अचीवमेंट सिस्टम है वो हमारे फ्री फायर गेम के अंदर अब रहेगा, यानी कि ये एक तरीके का ऐसा इवेंट हो गया है ना कि जो कि आप लोग के परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड फ्री में देगा। एंड कहीं ना कहीं हम लोग को बोल सकते हैं कि ये फ्री फायर गेम का एक तरीके से परमानेंट इवेंट हो चुका है। बाकी गाइस अगर आप लोग को भी कोई क्वेश्चन अपने दिल में है अचीवमेंट सिस्टम से रिलेटेड या फिर हमारे फ्री फायर गेम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स करके बता सकते हो, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकूंगा। और हाँ गाइस, बात करें इन दो ग्लोबल की स्किन का, बिकॉज यार आप लोग देख सकते हो कि जो ये दो ग्लोबल की स्किन है ना ये हमारे इंडियन सर्वर को बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेगी, जो कि रैंक टोकन के अंदर देखने को मिलने वाली है। एंड मजे की बात तो ये है कि हमारे गेम में जो रैंक टोकन है ना वो तो अपडेट कर दिया है फ्री फायर वालों ने, बट अभी तक हमारे गेम में जो रैंक टोकन के रिवॉर्ड के अंदर ये दो ग्लोबल की स्किन देखने को मिलने वाली थी वो अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। एंड वही फ्री फायर के जो अदर सर्वर है ना वहाँ पर जैसे ही रैंक टोकन को अपडेट किया गया तो आप लोग देख ही सकते हो कि वहाँ पर जो ग्लोबल की स्किन है ये दोनों वहाँ पर रैंक टोकन के अंदर देखने को मिल रही है। और मेन बात ये क्या हम लोग को ये दो ग्लोबल की स्किन हमारे इंडियन सर्वर में देखने को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, एंड क्या हमें ये फ्री में मिलेगी या फिर नहीं, तो गाइस इसका आंसर है मिलेगी यार, हम लोग को क्यों नहीं मिलेगी, हम लोग को भी ये दोनों ग्लोबल की स्किन बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलेगी। एंड उसके लिए कब आप लोग को ये इवेंट देखने को मिलेगा मैं आप लोग को बताता हूँ। एक्चुअली गाइस क्या है कि हमारा बीआर रैंक जो है ना वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, एंड जहाँ तक मुझे लीक से पता चला है ना तो ये बताया गया है कि 25 से 26 दिन बाद हमारे गेम में जो बीआर रैंक है वो अपडेट किया जाएगा। एंड उसी टाइम हमारे गेम में फ्री फायर वाले क्या करने वाले हैं ना कि ये दोनों ग्लोबल की स्किन को ऐड कर देंगे। फ्री ग्लोबल की स्किन जैसे ये दोनों मिलेगी ना तो काफी ज्यादा ऑसम स्किन है, बिकॉज यार गाइस आप लोग को जो ये गोल्डन वाली स्किन देखने को मिल रही है ना ये काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है। एंड मैंने तो जहां तक अदर सर्वर में देखा तो कुछ ऐसी स्किन देखने को मिल रही है, और फ्री गन की स्किन तो हम लोग को अचीवमेंट सिस्टम में मिल ही रहा है, मतलब यार काफी ज्यादा ऑसम फ्री फायर वाले दे रहे हैं। एंड गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों में शेयर जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे आप सभी को।